डॉक्टर मिश्र निवेदन है कि वे आज का आरंभ करें। साधु राजनेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति को प्रणाम और उपस्थित अनुपस्थित श्रोताओं को प्रणाम मैंने कल साधु मत के बारे में कुछ निवेदन किया था और उसके सामर्थ्य और सीमा की बात की थी आज हम लोग मत पर आते हैं पहले हम समझें कि लोक क्या है और लोक को हमारे यहाँ क्यों महत्व तो दिया गया है समाज को क्यों नहीं महत्व तो दिया गया लोक का अर्थ है जो दिखाई दे जो अनुभव गोचर हो जिसे हम देख सकें सुन सकें छू सकें और सूंघ सकें वो सब लोग हैं इस लोक में केवल मनुष्य ही नहीं आता दूसरे प्राणी भी आते हैं चर अचर जगत के अचेतन कहे जाने वाले भी प्राणी आते हैं प्रश्न है कि मनुष्य के अतिरिक्त प्राणी और पदार्थ कोई मत रखते हैं उनकी कोई बुद्धि होती है अगर नहीं होती तो लोक मत को मनुष्य मत ही क्यों ना कहा जाए मानव मत क्यों ना कहा जाए इसका उत्तर एक तो यह है कि एक तो समस्त लोक के प्रत्यक्ष अनुभव से मनुष्य का सही अनुभव बनता है तभी वह लोकमत होता है दूसरे ये भी है कि कि विज्ञान भी जिसकी पुष्टि कर रहा है कि इतर जीव और चराचर सत्ताएं बराबर मानव जीवन में सचेत हस्तक्षेप कर रही हैं और मनुष्य का विचार निरंतर उनके हस्तक्षेप से किसी न किसी रूप में अनुवर्तित विवर्तित या परिवर्तित हो रहा है इसलिए ऐसा लोकमत जो इतने प्रकार के प्रभावों से निरंतर विवर्तित हो रहा हो सही अर्थ में लोकमत है लोक का एक दूसरा अर्थ भी है खुला होना प्रकाशित होना कुछ छिपा न होना इसलिए सबका होना सबकी पहुंच में होना किसी एक का न होना इसलिए लोकमत का अर्थ है सीधा साधा खुला हुआ विचार सबका विचार सबके भीतर एक साथ गूंजने वाला विचार ये खुलापन गुण भी है और अवगुण भी है अवगुण की बात पहले का है लंका से अयोध्या में लौटने पर अग्नि परीक्षा की बात लोक मन में नहीं धंसी प्रवाद फैलने लगा कि सीता को कैसे राम ने पुनः स्वीकार कर लिया इससे तो लोक मर्यादा का भंग हो गया लोकरंजन के लिए राम संकल्प ले चुके थे वे लोकमत से चले न अपने भीतर के साधु से उन्होंने पूछा न अपने जमाने के माने जाने साधुओं से पूछा न भरत से राय ली न हनुमान से राय ली न वशिष्ठ की आज्ञा ली और उन्होंने भाइयों को बुलाकर कहा मेरी सौगंध है कि तुम मेरे निर्णय का विरोध करो सीता का मुझे परित्याग करना है और लक्ष्मण को आज्ञा दी सीता का निर्वासन हुआ लोकमत का ये खुलापन कितना घातक है यह आप देख सकते हैं राम ने केवल सीता को नहीं निर्वासित किया अपने भीतर के साधु को भी निर्वासित किया अपने भीतर के राम को भी निर्वासित किया और वे कोरे राजा होकर रह गए उत्तरांचरित ने इस विडंबना पर ही नाटक लिखा है उसमें वनदेवता वासंती राम से पूछती है राम को संबोधन करती है देव अर्थात राजा राम मन ही मन जान लेते हैं यह तटस्थ संबोधन यह अनात्मीय संबोधन ये इंगित कर रहा है कि वासंती सीता वृत्तांत से अवगत हो गई है और फिर वासंती पूछती है तुमने क्यों ऐसा किया क्यों तुम्हें यश इतना प्रिय हुआ क्या ये या यश की बात नहीं है गर्भ भार से अलस नारी को तुमने जंगल में छुवा दिया राम ने उत्तर दिया लोक उसकी उपस्थिति अयोध्या में नहीं सहन कर सकते थे उनका क्यों तो राम का निठुर उत्तर है सही सै आदि की मूँ लोग से ही पूछो कुछ जानते होंगे मुझे तो कुछ पता नहीं है कि सीता में कोई दोष था और वो जब उस परिवेश में आते हैं तो फिर अपना राजत्व तो कहीं ताक पर रख देते हैं फूट फूट कर रोते हैं और उपालंब देते हैं नकली देवस्थान गृहता तथा त्रिणवी वने शून्य त्यकता रचात्ता लोगों को देवी का घर में रहना ही मंजूर नहीं था तृण की तरफ से मैंने छोड़ दिया है मैंने अफसोस नहीं किया कभी कभी चेहरे पर अफसोस नहीं आया और लोगों के चेहरे पर भी कभी पछतावा नहीं आया कि क्या हुआ है यह लोक रंजन कितना महंगा पड़ा इस प्रकार से यह भहाव यह खुलापन इस खुलेपन इतना विश्वास भयावह होता है उचित नहीं होता है और विवेक का प्रयोग ऐसे समय न करना उचित नहीं लेकिन खुलेपन में एक गुण भी है उसके ऊपर भी दृष्टि डालें राम लक्ष्मण सीता के साथ जा रहे हैं राह राह गांव के लोग मिलते हैं स्त्रियाँ मिलती हैं और एक दूसरे से कहती हैं कैसे निठुर हैं माता पिता जो ऐसे बालकों को मन में भेज देते हैं फिर सोचते हैं नहीं उनका कोई दोष नहीं हमारा भाग्योदय हुआ है हमारे भाग्य के कारण ये लोग यहाँ आए हैं इनको कहाँ हम देखते यह सौंदर्य यह अपनापन यह हम आधुर्य कहाँ देखते हैं हम तो हमारे लिए लोग आए यह खुलापन उसका गुण है कोई दुराव नहीं कोई छल नहीं किसी को दोष भी नहीं देना चाहते और सहज रूप में एक अप्रत्याशित रूप से आई हुई आत्मीयता को स्वीकार करना चाहते हैं लोग का एक तीसरा अर्थ भी होता है शताब्दियों से चला रहा जीवन का चिंतन का स्वरूप वचन का प्रकार कभी यह सिलसिला टूटा नहीं कभी इसके बारे में किसी ने तर्क नहीं किया ठीक है कि नहीं ठीक है बस सभी लोग मानते हैं इसीलिए ऐसा करते हैं ऐसा बोलते हैं ऐसा सोचते हैं यही लोकमत बन जाता है भरतहरी ने व्याकरण के बारे में भाषा व्यवहार के बारे में ये बात कही लेकिन वह व्यवहार मात्र पर लोक व्यवहार मात्र पर लागू है उन्होंने कहा कि धर्मस्य से पंथानो ये व्यवस्थित तान लोक प्रसिद्धत्वाद कश्चित तर्कीण बाधते जो भी व्यवहार आचार का मार्ग व्यवस्थित रूप में निरंतर चलता है और लोकमान्यता उसे मिल जाती है तो तर्क के आधार पर उसे काटा नहीं जा सकता इस अकाट्यता के तीन आधार आज भी व्यवस्था मात्र पर लागू हैं कि वह पहली शर्त है की व्यवस्था के रूप में लोकमत प्रचलित हो दूसरी शर्त है बिना किसी अंतराय के विच्छेद के वो चल रहा हो तीसरी शर्त है लोक में अच्छी तरह उसे मान्यता मिल गई हो प्रसिद्धि मिल गई हो भारतीय शास्त्रों में लोकाचार को इसीलिए महत्व दिया गया है और यद्यपि शास्त्र से शुद्ध होता है और लोक से विरुद्ध होता है तो उसे न करने के लिए कहा गया है कुछ क्षेत्रीय आचारों को इसीलिए मान्यता मिली हुई है जैसे दक्षिण में मामा की बेटी से शादी इसी लोक मत के आधार पर मिली हुई है और इसके कारण कोई अव्यवस्था नहीं होती जिस देश का लोकाचार है उस देश में रहेगा जिस देश का नहीं है वहाँ नहीं रहेगा इससे कहीं भी शास्त्र आहत नहीं होता क्योंकि शास्त्र स्वयं लोक का आदर करता है इसी प्रकार विवाह जैसे मांगलिक अनुष्ठानों में बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनके लिए कोई शास्त्रीय विधान नहीं है पर जिस पर कहीं न कहीं शास्त्र की शास्त्र में निहित एक समस्त सृष्टि को अपने साथ जोड़ने की भावना छिपी हुई है एक ऐसी ही विधि है कि जब यज्ञोपीत होता है तो कुछ क्षेत्रों में एक बैलगाड़ी काठ की छोटी सी बनाई जाती है और प्रतीक रूप में रख दी जाती है वस्तुतः तो तो गोभी गृह सूत्र का यह अवशेष है उसका उद्देश्य होता है कि बैलगाड़ी पर चढ़कर समावर्तन के बाद राजा के पास ब्रह्मचारी जाएगा और मांग करेगा कि मैंने शास्त्र अध्ययन कर लिया है तुम मेरे लिए उचित स्थान बताओ लोक ने उसको प्रतीक रूप में रखा है और उसको जोड़ दिया है कि इसी पर बैठ करके लड़का नया समावर्तित लड़का जा रहा है काशी इस प्रकार लोक शास्त्र को कहीं कहीं सजो कर रखता है शास्त्र कहीं लोक से ले करके कुछ अधिक फैलता है और एक दूसरे के पूरक रूप में बने रहते हैं लोकमत की विशेषता यह है कि वह समस्त लोगों के साथ रिश्ते जोड़ने वाला होता है उदात्त होता है वह संपूर्ण जीवन की चिंता करता है वह मांगलिक कार्य में कहीं से मिट्टी लाई जाती है तो मिट्टी लाई जाती है तो मिट्टी को निमंत्रित किया जाता है पृथ्वी को निमंत्रण दिया जाता है कि तुम हमारे साथ जुड़ो हमारे मंगल कार्य में तुम जुड़ो और उसके साथ कुछ लोग गीत भी होते हैं हर क्षेत्र में होते होंगे हमारे क्षेत्र में भी होते हैं इस मिट्टी मांगने की प्रक्रिया के रूप में जो गीत गाए जाते हैं वे पृथ्वी की संतानवाहिता और संपन्नता की बात करते हैं सौभाग्यशालिता की बात करते हैं और ऐसा लगता है इसे पृथ्वी सूक्त की ही गूंज इसमें सुनाई पड़ रही हो एक गीत केवल उदाहरण के रूप में मैं देना चाहूँगा कवन बाबू के मटमंगरा ये सुहागे के मटिया रे कवन दे छोड़ न जाली ये सुहागे के मटिया रे उठहु मटिया जागह मटिया ये सुहागे के मटिया रे ये तुहरे बिना यज्ञ न होला ये सुहागे के मटिया रे पहले ले चलग सिर पर माटी ए सुहागे कम मटिया रे ए तब रे कलशवक है सुहागे कम मटिया रे यह मिट्टी सुहाग की है किस भाग्यशाली वर के विवाह के लिए मिट्टी खोदी जा रही है किस लक्ष्मी रूपी कन्या को विदा देना कठिन हो रहा है और उसके विवाह के लिए मिट्टी खोदी जा रही है मिट्टी जो सुहाग की है उठो मिट्टी जागो मिट्टी मिट्टी जो सुहाग की है तुम्हारे बिना यज्ञ नहीं होता तुम सुहाग की मिट्टी हो पहले इस मिट्टी को सिर पर रखो यह मिट्टी सुहाग की है फिर इसे कलश के नीचे रखो यह मिट्टी सुहाग की है पृथ्वी ही समस्त मांगलिक कार्यों की अधिष्ठात्री देवी है इसीलिए वह इतनी पूजनीय है दूसरा उदाहरण परस्पर आकांक्षा से आपूरित लोक दृष्टि का एक चित्र है ये विवाह का गीत है आधे तलवा में हंस चुके हैं आधे में हंसी नहीं हो तबहन तलवा सुहावन एक रे कवाल बिनू आधे बगिया में आम है, आधे में इमिली बउरे हो तबोन बगिया सुहावन, तब सुहावन एकरे कोइली बिनु। आधी फूल बगिया गुलाबवा, आधी में केवड़वा गमकई हो तब न फूलवा सुहावन एकरे करे भंवर हो सोने के सुपवा पछोरे मोतिया हलोरें तब पुरुष सुहावन एकरे करे सुनरी बिनु हो आधे माणों में गोत बैठे हैं, आधे में न हो तबोन मड़वा सुहावन ऐ ननद बिनु हो आधे ताल में हंस चुके हैं आधे में हंस नहीं, तब भी एक कमल के अभाव में ताल सुहावना नहीं लगता आधी बगिया में आम बौ है हैं आधे में इमली तब भी एक कोयल के बिना बगिया सुहावनी नहीं लगती आधा फूल बाग गुलाब से गमक गम रहा है आधा फूल बाग केवड़े से तब तो भी फूल बाग एक भौवरे के बिना सुहावना नहीं लगता पुरुष सोने के सूप में मोती फटक फटक कर अलग करता जाता है पर बिना सुंदर स्त्री के वह शोभा नहीं पाता आधे मंडप में गोत्र के पुरुष बैठते हैं आधे में स्त्रियां और मंडप में एक ननद नहीं है उसके लिए उसके बिना सूनी लगती है लोक में यह परस्पर आपूर्ण भाव इतना व्याप्त है कि लोकमत सबको लेकर ही चलता है यह संभावना है कभी वह अदृश्य कारणों की उपेक्षा कर दें मानव की नियति है कि उसमें अदृश्य और अप्रत्याशित भी कुछ घटता रहता है कारण संबंध बराबर नहीं बनते और जो इतिहास कारण संबंध पर बनता है वह कभी कभी मिथ्या हो जाता है लोकमत जब जब उस अप्रत्याशित असामान्य के नितान्त उपेक्षा करता है तब तब वहाँ अंकुश लगाने की आवश्यकता होती है कभी कभी लोकमत के ज्वार को रोकना पड़ता है इसी प्रकार कभी कभी ज्ञान की परंपरा में जड़ता आती है तो कठिन तब की आँख से उस जड़ता को पिघलाना पड़ता है लोकमत की इस अंधी प्रवृत्ति को ही भेड़िया धसान कहते हैं और ज्ञान की जड़ता को ही रूढ़ी कहते हैं साधुमति की भूमिका इन दोनों प्रवृत्तियों से बचाने की होती है इसीलिए उसका महत्व तो होता है भारतीय चिंतन धारा में यही तो विशेष बात है यहाँ कोई निरपेक्ष नहीं मैंने कल भी कहा था कोई एक केंद्र नहीं अनेक केंद्र हैं और इसलिए जहाँ एलियट को एक खतरा मालूम हुआ है केंद्र खिसक रहा है केंद्र अब ज़्यादा समय तक सबको थाम नहीं सकता वहाँ ये खतरा उपस्थित नहीं होता क्योंकि एक केंद्र है ही नहीं सृष्टि में प्रत्येक सत्ता केंद्र बनने के लिए योग्य है उपयुक्त है और प्रत्येक को केंद्र बनने की भूमिका मिलती भी है इसलिए एक केंद्र टूटे टूट जाए एक केंद्र है न रहे दूसरे केंद्र से फिर कार्य शुरू होने लगता है इसलिए यहाँ हर एक का महत्व है और देश काल का विशेष महत्व है देशकाल के कारण कौन महत्व पाता है यह निर्भर करता है ये बात इतनी सटीक है हमारे सारे आचारों में हमारे सारे अनुष्ठानों में हमारे काव्य में इतनी सटीक है कि दूसरे लोगों को भ्रम होता है कि ये बहुत की आराधना है वे नहीं समझते कि बहुत एक में बहुत्व की संभावना की आराधना है बहुत की आराधना नहीं है लोकमत कितना भी प्रबल कम क्यों न हो समय समय पर कड़े परीक्षाओं द्वारा कड़ी परीक्षाओं द्वारा कड़े परीक्षकों के द्वारा निकट चढ़ाया जाता है घिसा जाता है तब तो उसका ख खरापन पुनर्घोषित होता है उसमें कुछ अपधातु मिल गई है तो उसका पता चल जाता है और वह निर्धूम आग में झोंक दिया जाता है अप पदार्थ अपने आप गल कर अलग हो जाते हैं कुंदन ही बच जाता है लोकमत की अग्नि परीक्षा वही कर सकता है जो स्वयं आग हो चुका हो आग में परीक्षित हो चुका हो सीता की अग्नि परीक्षा राम ने ली पर बाल्मीकि ने लोकमत की परीक्षा ली और लोकमत का झूठ ऐसा उजागर किया कि सीता इस प्रत्यक्ष मिथ्या प्रपंची लोक में एक क्षण नहीं रही धरती में अंतर्हित हो गई राम का अयन राम का घर रामायण राम की कथा से अधिक सीता की कथा हो गया लोकमत की ऐसी परीक्षा कवियों ने की है साधक संतों ने की है लोक से सतही तौर पर अलग रहने वाले ऋषियों मिनियों ने की है उन्होंने ही मनुष्य के विवेक को प्रतिष्ठा दी पर उन साधकों की अगली परीक्षा भी होती रहती है वे लोग के कितने असम्पृक्त होते हुए भी लोग के लिए कितने चिंतित हैं लोक से कितने अनुद्विग्न अनुद्विग्न हैं लोग उनसे कितना अनुद्विग्न है वे अगर लोक से परेशान होते हैं तो वे साधु नहीं लोक में जो कुछ है उसे स्वीकार करो जो जैसे खेलता फिरता है उसे वैसे खेलते फिरने दो हस्तक्षेप तभी करो जब तुम्हें लगे कि लय टूट रही है जब तक लय नहीं टूटती तब तक हस्तक्षेप भी करो यदि यह दृष्टि यह असंपृति दृष्टि नहीं होती तो निश्चय ही साध एक तरफ कहीं छुक जाता है उसका निर्णय कहीं एकांगी हो जाता है और निरंतर जो आग्रह करता है कि हमेशा शुभ बने रहो अच्छे बने रहो, और अपने भीतर सोचता नहीं है वह साधु प्रभाव नहीं डाल सकता लोक निरपेक्ष ज्ञान विज्ञान साहित्य योग सब अपूर्ण बने रहते हैं और तब कभी कभी विक्षेप होता है साधना में उसी को तपकु भंग कहते हैं उसी को कालिदास ने शिथिल समाधि दोष कहा है समाधि दोष का अभिप्राय यह है कि किसी का वर्णन करने बैठे किसी का चित्र बनाने बैठे किसी की भूमिका में अभिनय करने बैठे। चले निरंतर सजग रहना चाहिए कि तुम्हारा तादाद मन पात्र से है न कहानी से है तुम्हारा तादाद में होना है उस भाव से जो उस देश काल का होते हुए भी तुम्हारा है और तुम्हारे साथ साथ उन पाठकों का भी है जिनका देशकाल उससे बहुत अलग है यह भाव का दादा यदि नहीं होता है तो फिर समाधि शिथिल हो जाती है साधारणीकरण ऐसा हो जो निजी विशेष में रमता हुआ भी निर्विशेष आदमी को करते है। संत साधु भी सरल सीधे स्वभाव की साधारणता का ध्यान करते हैं तभी उन्हें उद्वेग नहीं होता और वे अलौकिक बनने से बचते हैं तभी लोगों को उद्वेग नहीं होता कभी कभी होता है आकर्षण होता है लोग वह आकर्षण साधु के लिए खतरनाक होता है साधु का काम यह है कि वो सबकी प्यास पहचान है सबकी प्यास में अपनी प्यास को घोल दे और सबकी प्यास के निवारण के लिए ऐसे प्रयत्न करे मानो अपने प्यास के निवारण के लिए प्रयत्न कर रहा हो तभी वो साधु होगा तभी उसे लोग सराहेंगे पूजेंगे और निरंतर तौलते रहेंगे हर एक चेष्टा रखते रहेंगे और लोक संस्कृति से साधु की भूमिका की सफलता नहीं मानी जाएगी साधु की सफलता की भूमिका मानी जाएगी सहज तितिक्षा से सहनशीलता से समर्पण से और लोक समर्पण के उल्लास से लोक समर्पण की करुणा से तभी साधु लोक को मोड़ने वाला हो सकता है तभी श्री कृष्ण कह सकते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं उत्सी देव में लोका न कुरियाम कर्म से अगर मैं कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाए क्योंकि उनमें क्षमता आ गई है सहज होकर के क्षमता आ गई है अगर साधु अलग रहता है अपने को अलौकिक बनाता है विशिष्ट बनाता है तो उसका अस्तित्व तो एक उल्कापात की तरह से होता है और एक चमक आई चली गई जिन साधुजनों का योगदान हमारी संस्कृति की पुनर्व्याख्या में रहा है उनकी लोकोत्तर भूमिका बराबर उनकी लौकिक भूमिका के साथ ओतप्रोत रही है वे चाहे बुद्ध हों महावीर हों शंकर हों रामानुज हों भावोन्माद की दशा में रहने वाले चैतन्य हों देखने में सबका तिरस्कार करने वाले पर सामान्य से सामान्य जन की संभावना में बैठने वाले कबीर हों मरुभूमि की माटी में सरस्ता लाने वाले दादू दयाल हों कुंज बिहारी के रस में डूबे हुए रू सूर हों गिरिधर के लिए बावली मीरा हों काहू की बेटी बेटा न बयाब की ललकार लगाने वाले तुलसी हों गगन की थाल में सूरज और चंद्रमा की आरती का दीप सजाने वाले गुरु नानक देव हों और बावले माँ के पुजारी परमहंस रामकृष्ण देव हों गोविंदमयी मई, आनंदमयी मई, माँ हों हृदय कुंज के देवता महात्मा गांधी हों उनकी लोक यात्रा उनकी आध्यात्मिक साधना का अविभाज्य अंग है वे लोक की आशा रहे हैं इसलिए कि वे लोक में रमते रहे हैं लोग के आलोक रहे हैं क्योंकि लोक ही उनके लिए आलोक रहा है साधारण आदमी की पीड़ा ही उनके लिए नारायण की पीड़ा रही है लोकमत ऐसे ही लोगों से शोधित होता रहता है पर जिनसे बनता है उनकी चर्चा करना सबसे अधिक आवश्यक है लोकमत बनाने में हमारे देश की नारी का बहुत बड़ा योगदान है मातृपक्ष ने ही लोक देवताओं की कल्पना की उन लोक देवताओं की अर्चा के स्थान हरे भरे फूलने फलने वाले वृक्षों के नीचे चुने पहाड़ की चोटी पर चुने गहन गहवर की गहराई में चुने उन्होंने अपने मांगलिक अनुष्ठानों में समस्त जीव जंतुओं को न केवल स्थान दिया उनको न्योतने के गीत रचे उन्होंने अपनी कथाओं में पशु पक्षियों नदियों पत्थरों की नारी की विपदा में सहायता की बात की उन्होंने अपने परिवेश की चिंता को स्थान दिया अपने गीतों में नीम का पेड़ मत काटूँ नीम चिड़ियों का बसेरा है नीम की डालें काटोगे चिड़ियाँ उड़ जाएंगी नीम का ठूठ अकेला रह जाएगा ये चिड़ियाँ लड़कियों की तरह हैं इनके ससुराल जाने से जो सूनापन आंगन पर छाता है वह सूनापन और न लाओ कहीं न कहीं भरा पूरापन रहने दो ये माताएं जब न्याय सिंह के सिंहासन पर बैठी हैं तो इन्होंने किसी को बख्शा नहीं राम को कटकरे में खड़ा कर दिया और सीता से कहलवाया मैं इस निर्मम पुरुष का मुख नहीं देखूंगी राम के पास लवकुश के जन्म का शुभ संदेश न भेज राम को रुला दिया है उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा और गीतों में उन्हें उल्हना दिया रह गए कंवार के कंवार तुम्हें ब्रज की मिठास नहीं भाई द्वारिका के समुद्र के खारे पन पर रिछ गए उन्होंने यशोधरा को सोती छोड़कर निष्क्रमण करने वाले बुद्ध को भी नहीं बख्शा है मगध के गीतों में इसकी चर्चा है गाँव की खेती उजाड़ने वाले सिपाहियों और सिपाशालारों के दुराचार पर आक्रोश व्यक्त किया है उन्हीं के द्वारा विश्वमंगल की विशाल दृष्टि रखने वाला लोकमत का श्रेष्ठ अंश बना है और अभी भी कुछ कुछ बन रहा है पुरुषों की भूमिका भी है पर अधिकतर खेतीहर शिल्पी की भूमिका है वो भूमिका ज्ञान की प्रक्रिया पर प्रभावी रही है और मातृपक्ष की भाव पक्ष के निर्माण पर प्रभावी रही है दर्शन के सभी ग्रंथ खिथियर कुम्हार लुहार सुनार जुलाहे मल्लाह के व्यावसायिक जीवन के उदाहरण लेते हैं और हमारा समस्त काव्य इन उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है वांगमय भरा पड़ा हुआ है और अपनी बात लौकिक न्यायों से प्रमाणित करते हैं उदाहरण के लिए तिल तंडुल न्याय अर्थ होता है ऐसे दो पदार्थों का मेल जिसमें दोनों अलग अलग साफ साफ दिखें काकतालीय न्याय का अर्थ होता है ऐसा संयोग कि कौआ ताड़ के वृक्ष पर बैठे इतने में पका फल ऊपर से नीचे गिर पड़े आकस्मिक होने पर भी लगे संबद्ध है कौए का वहाना संबद्ध लगा इसी प्रकार अनेक न्याय लौकिक न्याय के रूप में हमारे दर्शनों में प्रयुक्त होते हैं यह लोक चेतना निरंतर शास्त्र को सहज भाषा का चौकठा देती रहती है भाषा के माध्यम से विचार की स्पष्टता को आकार देती रहती है लोक भाषा की यह छाप साधु मत को भी प्रभावित करती है क्योंकि साधु साधना के अत्यंत चरम शिखर पर पहुँच कर जहाँ पहुँचता है वहाँ हवा विरल हो जाती है वहाँ सब कुछ सीधा हो जाता है वहाँ अपने आप पथ प्रशस्त हो जाता है और सारी राहें एक राह बन जाती हैं तो वह अपने आप लोक के साथ हो जाता है वह ऊंचाई पर होता है लोक समतल पर होता है ऋषियों मुनियों की भाषा हो बुद्ध महावीर की भाषा हो मध्ययुगीन संतों की भाषा हो परमान श्री राम देव के वचनामृत की भाषा हो बड़ी निश्चल भाषा है कहीं लाग लपेट नहीं जो भी उदाहरण है सामान्य जीवन के उदाहरण हैं बड़ी सीधी पर बड़ी गहरी भाषा है गहरे अर्थ हैं साधु स्वभाव पहचानता है साधु पह भाषा की शक्ति क्योंकि वह जानता है कि सूधे मन सुधे वचन सुधी तूती तुलसी सुधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रतीति राम के साथ गहरे चुड़ाव की सबसे बड़ी पहचान यही है कि मन सीधा हो वचन सीधा हो करतूत सीधी हो विशाल और विराट के आगे कोई छल नहीं चलता इसी धरातल पर साधु लोग से मिल जाता है भाषा और विचार में विचार और आचार में समन्वय ही साधुता का मुख्य अभिलक्षण है और यह समन्वय दृष्टि साधु को लोक में निरंतर निष्प्रिय भाव से जीने से मिलती है भरत के संदर्भ में ये बात आगे हम कहेंगे भारत में निरक्षरता शिक्षा और संस्कार में कभी बाधक नहीं रहे निरक्षरता से शिक्षा का कोई रिश्ता नहीं है निरक्षर व्यक्ति भी शिक्षित होता है साक्षर व्यक्ति भी अशिक्षित होता है और बहुत बड़ा आज के शिक्षित समुदाय का ऐसा है जो तथाकथित शिक्षित समुदाय का ऐसा है जिसे वास्तविक शिक्षा नहीं मिली है वो साक्षर हुआ है केवल ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ वाचिक स्रोत से आया है और थोड़ा बहुत आचार से आया है हर दो चार गांव में ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें हम सयाना कहते हैं जो नक्षत्रों की के द्वारा समय की पहचान करते हैं जो चिड़ियों की गति से पशुओं की गति से आने वाले भविष्य की पहचान करते हैं और वे जीते हैं सामान्य जीवन कोई विशेष जीवन नहीं जीते विशेष जीवन जीने का को कोई भाव नहीं दिखाते हैं प्रपंच से दूर रहते हैं कमल के पत्ते की तरह जल में रहते हुए जल की बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देते वो जल से रस लेते हैं पर जल को अपने ऊपर भारी नहीं पड़ने देते वो जल पर तिरते रहते हैं साधु के साधु होने में जल की भूमिका है अवश्य पर जल से निर्लिप्तता के बिना साधु साधु नहीं होता नानक देव के संबंध में कथानक है कि एक जगह गए वहाँ के एक पीर ने सोचा कि अब तो ये आ गए हमारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी तो उन्होंने एक दूध का कटोरा भेजा दूध से भरा कटोरा भेजा नानक देव ने उस पर एक चमेली के फूल रख दिया और वापिस कर दिया और यह जतला दिया कि साधु किसी के ऊपर बोझ नहीं होता है भरी से भरी जगह हो वहाँ साधु आ जाए तो उसके लिए स्थान रहता है उसको सुरभित ही करता है इसलिए जो साधु इस निर्लिप्तता को नहीं निभाता है और कहीं निर्लिप्तता का नाटक मात्र करता है वो विश्वसनीय नहीं, नहीं रहता किसी ने गीता की पुस्तक रखी कहा हमारे पास तो कुछ नहीं सब छोड़ा है कहा कुछ होने लगा तो उन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया क्या, क्या करें चूहे आ रहे थे तो मैंने बिल्ली पाली बिल्ली पाली तो दूध की ज़रूरत हुई तो गाय पाली गाय पाली तो खेत रखे नौकर रखे फिर बहुत कुछ करना पड़ा तो सब गीता जी की संपत्ति हमारी सम्पदा कुछ नहीं है तो ऐसी दिखावटें निर्लिप्तता किसी काम की नहीं होती है खेती बाड़ी निष्प्रिय भाव से करते हुए सबको सबका हिस्सा देते हुए बिना किसी वेशभूषा के जो साधु स्वभाव का व्यक्ति है उस पर छली लोगों का भी अधिक विश्वास होता है भारत में वह व्यक्ति आज के धन पिशाची युग में भी सम्मान पाता है लोग उससे घबराते हैं कहीं उसके सामने उसके आलोक के सामने हमारा अंधकार उघर न जाए यह सब कहने का अभिप्राय यह है कि साधुता बहुत सीधी राह है पर सीधी राह पर चलना बड़ा कठिन है लोक में रहते हुए लोक के अशुभ से प्रभावित होना असिधारा व्रत है यह सतते सदते सत्ता है इसलिए साध अधिकतर वही होता है जो कुछ विशेष दिखता नहीं अपने को विशेष कुछ जतलाता नहीं ईश्वरचंद विद्यासागर की तरह कभी कुली बन जाता है ऐसा साधु ही लोकमत को प्रभावित करता है और झूठे दंभ को लज्जित करता है आज जब हम स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद की साधुता के स्मरण कर रहे हैं तो हमें रेखांकित करना चाहिए एक स्वर्गीय राजेंद्र बाबू अपने बड़पन को छिपा कर रखते थे एक बार आनंद भवन में जाड़े के दिनों में आनंद भवन के बाहर ही उन्होंने रात बिता दी नेहरू जी को सूचना नहीं भिजवाई उनकी सामान्य वेशभूषा से उनके नौकर उनका महत्व तो नहीं समझ पाए परंतु राजेंद्र बाबू ऐसा करके सामान्य लोक को प्रतिष्ठित करना चाहते थे वे लोक मत का ध्यान रखते थे तभी अपने पद की साधुता की एक मर्यादा रखी पंडित नेहरू से उनके कैसे भी मतभेद रहे हों उन्होंने 12 वर्ष के राष्ट्रपति अवधि में कभी भी ऐसा अवसर नहीं दिया कि लोग उन्हें राष्ट्रपति के रूप में भारी पड़ता देखें वो अपनी शालीनता हमेशा निभाते रहे संविधान सभा की अध्यक्षता उन्होंने की और उन्होंने लोकमत का आदर किया यद्यप वे इस लोकमत पर साधुमत की प्रभावशालीता रखना चाहते थे प्रभावी निगरानी रखना चाहते थे पर उन्होंने साधु स्वभाव के कारण ही मर्यादा के बाहर जाकर हस्तक्षेप नहीं किया यह सब करके उन्होंने यह प्रमाणित किया कैसी भी स्थिति हो साधुता निभाना और लोकमत का आदर करना इस युग में क्या हर युग में संभव है शर्त इतनी ही है कि निभाने के पीछे कोई स्पर्हा न हो प्रभाव उसी साधुता का होता है जिसमें कुछ भी निजता का आग्रह न हो मैं ऐसा कहता हूँ यह भाव न हो लोकमत में मात्र पक्ष से जो योगदान मिला है भावुकता का और वस्तुओं के ममता का वह अत्यंत स्वाभाविक है इसी प्रकार साधु मत में निसंगता और परिग्रह का त्याग इसका जो अवदान मिला है वो भी अपरिहार्य है साधु मत से अकेले सृष्टि आगे नहीं चलती लोकोत्तर से एक दम्भ भी आता है और एक अभिमान भी आता है जो लोकोत्तरता पर विश्वास कम कर देता है और लोकोत्तरता असही हो जाती है अलौकिकता मान्य नहीं होती अलौकिकता को मान्य होने के लिए साधु को लौकिक होना पड़ता है लौकिकता और अलौकिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना आसान नहीं दोनों वृत्तियाँ जब सहज होती हैं तो उनमें तादाद में स्थापित हो जाता है साधु वृत्ति की ऐसी माताएं मिलेंगी जिनकी ममता सृष्टि मात्र को बांध लेती है और मातृवत्सल साधु भी मिलते हैं जो स्वेच्छा से बंध जाते हैं मामूली सी जगह से मामूली लोगों से सहजता बाहर भी रहती है भीतर भी रहती है पर ढकी रहती है बाहर भीतर को बिंब प्रतिबिंब भाव रूप से ग्रहण करने से सहजता खुलने लगती है तब कोई तनाव नहीं रहता न सात्विक न राजस न तामस ऐसे सहज हुए व्यक्ति के पास लोग बैर भूल जाते हैं उनका क्रोध शांत हो जाता है उनका मद उतर जाता है उनका काम निष्काम हो जाता है सहज होने का ही उत्तम उदाहरण है भरत का अयोध्या का शासन चलाने की आज्ञा शुरू करना और साथ ही राम की पादुका को सिंहासन पर बिठाना पादुका को सिंहासन पर बिठाना लोकमत का आदर है लोक की भावुकता का निर्वाह है और निस्संग होकर नंदिक ग्राम की कुटी में रहने का निश्चय करना साधुता का निर्वाह है दोनों के निर्वाह में सहजता है इस सहजता के कारण भरत प्रतिष्ठित होते हैं राम को अयोध्या लौटाकर स्वयं वनवास का व्रत लेते तो भरत कोरे साधु रह जाते और साधु के रूप में भी मधुर व्यक्तित्व वाले नहीं रहते राज्य को धरोहरी के रूप में संभाल कर सीधी साधी जिंदगी जीने वाले भरत विश्वसनीय होते हैं इसी कारण महात्मा गांधी भरत को ही आधुनिक राज्य व्यवस्था के संचालन का मानदंड बनाते हैं स्वर्गीय राजेंद्र बाबू महात्मा जी की कल्पना साकार करने के लिए अलग सामान्य से भवन में रहना चाहते थे पर वे ऐसा करने नहीं पाए स्वाधीन भारत ने इतनी स्वाधीनता भी पहले राष्ट्रपति को नहीं दी कि वह अपने देश की सामान्य जनता से तादनात्म स्थापित करके पद का निर्वाह कर सके तो भी उन्होंने राष्ट्रपति भवन में सबसे कम आलिशान हिस्सा ही रहने के लिए चुना और वही हिस्सा बाद के राष्ट्रपतियों का भी बना हुआ है परिग्रह का त्याग कभी कभी व्यवहार में तिक्तता लाता है यह साधुता की हार है उसी प्रकार लोग की भावुकता कभी कभी इतनी मिठास बनती है कि उससे ऊब होने लगती है यह लौकिकता की हार है दोनों की हार न हो दोनों एक दूसरे के विरोध में न खड़े हों एक दूसरे के पूरक हों अपनी भूमिका को सहज भाव से लें दोनों बीच बीच में अपने देशकाल के प्रति सजग हों दोनों को सजग करने वाली राज्य व्यवस्था दोनों के सहयोग से बनी हो और दोनों विशाल अनुभव की विरासत का लेखा जोखा अपने अपने स्तर पर अपने अपने ढंग से लेते रहें तो निश्चय ही सबके लिए शुभ होगा शुभ आज भले ही तेज रोशनियों के केंद्र में न होने के कारण अदृश्य सा हो गया हो पर उसकी तलाश बराबर जारी रहेगी उसकी मांग बराबर उठती रहेगी शायद आज की अपेक्षा कल अधिक उठेगी धन्यवाद आपने इतनी शांति से सुना और लोग और साधु के बीच की खाई को पाटने के लिए पुस्तक खाई तो है नहीं भ्रम की खाई को पाटने के लिए मैंने जो कुछ आपसे निवेदन किया है उसको आप अपने साथ ले जाएं और ज़रूर सोचने की कोशिश करें कि आज के संसार में लोग और साधु की यह दृष्टि उतनी ही सार्थक है जितनी कभी भारत के समय में रही होगी जितनी कभी गांधी के समय में रही होगी उसकी पहचान बीच में चाहे खो गई हो लेकिन उसकी पहचान आज आनी चाहिए आज की समस्याओं का समाधान इन्हीं दोनों में नहीं थे आकाशवाणी के उप महानिदेशक श्री एस कृष्णन से निवेदन है कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारे अभी हमने मिश्र जी का सार गर्भित भाषण सुना उन्होंने जिस ढंग से विषय का प्रतिपादन किया है वह आम व्यक्ति के लिए भी सहज है लगातार दो दिनों से पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की वाणी और विचारों ने यहाँ हम सब लोगों को बांधते रखा है मैं आकाशवाणी की ओर से मिश्र जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर कार्यक्रम को सफल बनाया मैं यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद